कर्नाटक में उडुपी करके जगह है, वहां श्री कृष्ण का टेम्पल है, भगवान श्री कृष्ण का। वो टेम्पल का स्टोरी है कि उधर एक क्या बोलते हैं कि वो पिछड़े जमाने वाला, यानी पिछड़े निचले जात वाला एक भक्त था उनका, जनक दास। उनका नाम मुझे बराबर याद नहीं आ रहा है। तो एक भक्त था, वो उसको एक्चुअली मंदिर में जाना था। तो उधर मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने उनको जाने नहीं दिया, बोले आप निचले जात के हो तो आपको हम मंदिर में अलाउ नहीं करेंगे। और फिर वो दुखी हो गए। फिर वो जाके देखो मंदिर का जो एंट्री था, एंट्री में नहीं उनको ये किया, तो वो क्या हो गए, वो जाके साइड में बैठ गए। तो साइड में खिड़की है, खिड़की से हम देखेंगे भगवान को, ऐसा सोच के वो उधर जाके बैठ गए। तो वो टेम्पल में कोई गया रहेगा तो आपको दिखेगा कि भगवान का जो ऐसा रहता ना मुंह, यहाँ फेस रहता है, यहाँ से डोर है, तो यहाँ हमका डोर को फेसिंग मूर्ति रहती है। तो उस टेम्पल में क्या हुआ है, वो मूर्ति जो है वो खिड़की की तरफ है ऐसे, तो साइड में खिड़की है और मूर्ति खिड़की को फेसिंग है। उनके जो भक्त थे जिनको आने नहीं दिया था, उनको खिड़की के पास वो बैठे थे, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो है वो खिड़की को फेस कर रही है, टुवर्ड्स विंडो, द आइडल इज फेसिंग टुवर्ड्स विंडो। ये सच्ची स्टोरी है, आप उडुपी में जाके देखो, आपको वो मूर्ति दिखाई देगी। और वो मंदिर में मैं गया था तो उधर का एनर्जी भी एकदम हाई है। उधर जाके आप दो तीन प्रदक्षिणा लगा के उधर बैठ गए और आंखें बंद कर ली तो डायरेक्ट मेडिटेशन में चले जाते हैं एक्चुअली। तो हमारे भारत में ऐसे एक से एक पवित्र जगह है, और ये रियल स्टोरीज है, ये जो एक्चुअल हुआ है वो मैंने आपको बताया एक्चुअली।